जब आप बचपन से झूठ बोलते हैं तो ये झूठ की आदत कई बार ऐसी होती है कि आपके साथ ऐसी जुड़ जाती है, फिर ये झूठ की आदत आपसे जाती नहीं। फिर आप नौजवानी में भी झूठ बोलेंगे, बुढ़ापे में भी झूठ बोलेंगे और अंत समय तक आप झूठ बोलते ही रहेंगे, ये झूठ की आदत आपकी नहीं जाती। यही हाल है कन्हैया कुमार का। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतरे कन्हैया कुमार के साथ झूठ का पुलिंदा इतना मजबूत हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब कन्हैया कुमार की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कन्हैया कुमार किस समय लोगों के बीच में भ्रम फैलाने लगे, झूठ बोलने लगे, इसका कोई भी तय नहीं, क्योंकि कन्हैया कुमार की यही आदत रही है छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, यूथ के बीच में हमेशा गलत फहमी फैलाने का काम कन्हैया कुमार ने किया है। अब जब दिल्ली में प्रचार के लिए कन्हैया कुमार जा रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, चौराहे पर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार को ये डर लग रहा है, कन्हैया कुमार को भय लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। कन्हैया कुमार लोगों से कह रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने का ये समय है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाए रखने की ये लड़ाई है। कन्हैया कुमार लोगों से कह रहे हैं कि संविधान को बचाए रखने की ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में आप लोग साथ में नहीं आए, इस लड़ाई में कन्हैया कुमार के साथ खड़े नहीं हुए, यानी कन्हैया कुमार को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र एकदम से खतरनाक स्थिति में चला जाएगा, जैसा कन्हैया कुमार दावा कर रहे हैं। ये कन्हैया कुमार वही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। कन्हैया कुमार लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन ये कन्हैया कुमार देश के नौजवानों को, देश के बॉर्डर पर जो डटे हुए भारतीय फौज के सैनिक हैं, उन सब को, यानी खासकर उन्होंने टारगेट किया था कश्मीर के सैनिकों को बलात्कारी बताने का काम किया था। टारगेट करके उन्होंने कहा था कि कश्मीर में भारतीय सैनिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। कन्हैया कुमार को लोकतंत्र की चिंता है, कन्हैया कुमार को संविधान की चिंता है, लेकिन देश के नौजवानों पर बिना सबूत के ऐसी बड़ी टिप्पणी करना, ये कन्हैया कुमार की आदत में शुमार है, क्योंकि ऐसी टिप्पणी करना कन्हैया कुमार ने एक नहीं सैकड़ों बार की है। जब वो युवाओं के बीच में रहते हैं, जब छात्रों के बीच में रहते हैं, तो इसी तरह का भ्रम, इसी तरह की गलतफहमी फैलाने का काम कन्हैया कुमार करते हैं। अब चुनाव मैदान में जब आए हैं, दिल्ली में वो प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों से कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, लोगों से कह रहे हैं ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है, हमें अस्तित्व को बचाए रखना है। दुनिया जान रही है कि इन 10 सालों में सबसे अधिक मजबूत अगर हुआ है तो भारतवर्ष का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। भारतवर्ष में लोकतंत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। अगर केंद्र की योजनाएं आई हैं निचले स्तर तक, तो समान रूप से वो सभी तक पहुंची हैं। हिंदू और मुस्लिम में ऐसा विवाद नहीं हुआ कि हिंदुओं को ज्यादा योजनाओं का लाभ दे दिया गया हो और मुसलमानों को कम दिया गया हो। योजनाओं में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई एकमात्र शिकायत नहीं आई कि मुसलमानों को योजनाओं में प्रताड़ित किया जा रहा, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, सरकारी योजनाएं उन्हें नहीं मिल पा रही, जबकि हिंदुओं को बहुत ज्यादा मिल रही, ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। खुद तमाम जगहों पर मुसलमानों ने खुद कहा है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे राशन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, चाहे अन्य कोई सुविधाएं हो, वो सब उन्हें मिल रही हैं समान रूप से और किसी भी योजनाओं में भेदभाव नहीं हो रहा। तो यानी इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इन 10 सालों में अगर देखा जाए तो देश में कहीं पर दंगे नहीं हुए। इन 10 सालों में अगर देखा जाए तो देश में शासन व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त हुई हैं। इन 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो देश में विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ी है, देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत तेजी से सुधरी है, लेकिन इसके बावजूद कन्हैया कुमार कुप्रचार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली को के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संविधान नहीं बचेगा, अगर कन्हैया कुमार नहीं जीतते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा, कन्हैया कुमार अगर नहीं जीतते हैं तो लोगों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। कन्हैया कुमार इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।
तो जैसा मैंने पहले बताया था, यदि आप झूठ बोलते हो तो धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि एक समय ये झूठ का पुलिंदा आपके सिर माथे पर चढ़ जाता है। फिर आप कोशिश भी करते हो कि आप सही बोलो, लेकिन आपको मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। यही हाल, यही स्थिति कन्हैया कुमार की है, और इसीलिए चुनाव प्रचार में दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के चौराहों पर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जनता सब जानती है, जनता को पता है, अच्छी तरह से पता है कि कन्हैया कुमार खुद पिछला चुनाव बिहार से, अपने घर से हार कर आए हैं, तो दिल्ली में जनता उन्हें कैसे पसंद करेगी, दिल्ली में जनता उन्हें कैसे जिताएगी। इसलिए जनता उनकी बातों का विश्वास नहीं कर रही है। जनता को पूरी तरह से ये पता है कि इन 10 वर्षों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इन 10 वर्षों में अगर किसी की रक्षा हुई है तो संविधान की रक्षा हुई है, क्योंकि संविधान की रक्षा आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब नया संसद भवन बना तो स्वयं प्रधानमंत्री ने संविधान को सिर माथे पर लिया और नए संसद भवन में प्रवेश करने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने, सुरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जो गलत कन्हैया कुमार फैला रहे हैं, जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर पता है कि जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली।